Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Himani Sharma, and welcome back to a new video. So guys, in this video, I will be sharing with you guys my class 10th board results. किस सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स आए थे, क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना या नहीं, और किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया था, क्या मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे. विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. और इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि वी आर सो क्लोज टू 100K. सो फटाफट से 100K सब्सक्राइबर्स करवा दो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मैं अपना रिजल्ट फिर से निकालने वाली हूँ साइट पे, जो कि 2 साल पहले मैंने निकाला था. और जी, रिजल्ट रिवील करने से पहले मैं तुम्हें ये चीज़ बता देती हूँ कि मैंने कैसे पूरी साल प्रिपेयर किया था और क्या मैं पढ़ाई के लिए सच में सीरियस थी. तो गाइज, बिल्कुल भी नहीं. मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं रहती हूँ. ठीक है, और मैं ना, मतलब स्कूल में जितने भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे, उन सभी में पार्टिसिपेट करती थी. सभी में, मतलब मेरे को पढ़ाई से ज़्यादा उनमें ही रहता था. कोई भी कंपटीशन आया, सबसे पहले मेरा नाम आता था, हिमानी जॉब. तो मैं उसमें नंबर वन रहती थी कि हाँ, कंपटीशन वगैरह, क्विज़ वगैरह, ड्राइंग, जो भी था. और मुझे प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं. कभी टाइम मिलेगा तो गाइज शेयर करूँगी. एंड स्टार्टिंग से ही ऐसा चल रहा था, मतलब हम स्कूल में गए, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन थे, पढ़ाई भी साथ में होती रही. और पढ़ाई के साथ, मतलब पढ़ाई भी ठीक ठाक थी, मेरे टेस्ट भी होते जाते थे, पढ़ाई भी ऑलमोस्ट बहुत ठीक ठाक थी. फिर क्या हुआ, फिर मतलब जैसे जैसे बोर्ड पास आने लगे, तो उस टाइम क्या था, मेरा सेमेस्टर वाइज सिस्टम था स्कूल में, जो भी था, मतलब हाफ सिलेबस पहले आ जाएगा, फिर हाफ मार्च में आएगा. तो पहले जो फर्स्ट टर्म था उसमें, वो था नवंबर में. ठीक है, तो उसके लिए मैं सीरियस ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं थी. मुझे नहीं था ऐसा पता, मतलब पहली बार बोर्ड थे, ऐसा नहीं था कुछ कि हाँ नंबर वगैरह क्या है. मैंने अक्टूबर में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तब इंग्लिश का ऑलमोस्ट सिलेबस बहुत अच्छी तरह से हो चुका था. एंड क्या था ना गाइस, कि मैं, मेरी टीचर जो थी इंग्लिश वाली मैम, वो बहुत अच्छी थी. उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया था, मतलब हर चीज़ अच्छी तरह से रिवाइज करवाई थी. मतलब अगर तुम्हारे उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और तुमने ट्यूशन नहीं लिया है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे टीचर्स ही होते हैं. तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी इंग्लिश की जो मैम थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें रिवीजन करवाया था. तो इंग्लिश की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी. ग्रामर का भी हमारा पोर्शन होता जाता था, मैम क्लास में टेस्ट लेते रहते थे, क्लास में ही ग्रामर वगैरह होता था, तो काफ़ी अच्छी तरह से हमारी प्रिपरेशन चल रही थी. बट मैथ और साइंस में मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब ऑलमोस्ट मैथ का सिलेबस नहीं हो पाया. हमारे काफ़ी ना ऐसे कंपटीशन वगैरह चलते रहते थे, तो मैं पढ़ाई से काफ़ी दूर थी क्लास में, मतलब होता रहता था सिलेबस ऑलमोस्ट, तो मेरा ध्यान नहीं था, बट मैं कवर कर लेती थी उस चीज़ को. बट साइंस और मैथ में मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कुछ नहीं आता था साइंस में, कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मैं कर लेती थी. मतलब टेस्ट वगैरह होते थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले जाते थे, फिर भी मैं कर लेती थी एक रात पहले पढ़ के. बट फिर क्या हुआ, नवंबर में हमारा टर्म वन होने थे, जो कि फाइनल थे, मतलब सेमेस्टर वाइज था. तो 50 का पहले हो जाएगा, 50 का मार्च में होगा. तो जब मेरे फर्स्ट टर्म का मेरा पेपर था नवंबर में, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. तो ट्यूशन मैंने ले रखी थी ऑलरेडी मैथ्स की, मेरे घर के पास में ही, एंड मैथ्स की मैंने ट्यूशन ली थी. वहाँ से मैं, मतलब नोट्स वगैरह, मतलब इतनी अच्छी ट्यूशन नहीं थी, मतलब समझ नहीं आता था कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता था. तो फिर मैंने ट्यूशन छोड़ दी थी. फिर मैंने फिर से ट्यूशन ली थी एक मेरे स्कूल के पास में. स्कूल के पास मेरे एक ट्यूशन टीचर थे, तो उनसे मैंने ट्यूशन ली थी, वहाँ से मैं पढ़ती थी. वहाँ से काफ़ी अच्छा, मतलब टेस्ट वगैरह भी ट्यूशन में होते थे, अच्छी तरह से रिवीजन हो जाता था, मैं काफ़ी अच्छे सॉल्व कर लेती थी मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी. फिर उसके बाद में क्या हुआ, मेरे टर्म वन आ गए. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं पड़ी होती थी कि पेपर है, मैं तो इतनी, मतलब मेरे को टेंशन भी नहीं थी. तो फर्स्ट टर्म में मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए साइंस और मैथ्स में स्पेशली, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है टर्म वन ना टफ था थोड़ा सा. तो 50 मार्क्स का पेपर था, काफ़ी ज़्यादा ऐसे, मतलब मेरे अच्छे नहीं गए. फिर मेरे को पढ़ी भी नहीं थी, अच्छे नहीं गए, पता नहीं क्या. फिर दिसंबर में हमें मार्क्स बताए गए कि इतने इतने आपको आए हैं फाइनल्स में, मतलब उसका ऑलरेडी साइट पर आ गया था रिज़ल्ट. तो वो रिज़ल्ट आया, फिर मैंने देखा कि मेरे साइंस में और मैथ्स में बहुत गंदे मार्क्स थे. आउट ऑफ 50 फर्स्ट टर्म में मेरे साइंस में थे 31 थे. टर्म वन में मेरे, मतलब जो साइंस के थे वो 30 और 40s के बीच में पड़ रहा था मार्क्स मेरे आउट ऑफ 50, और मैथ में मेरे 30 या 31 आए थे आउट ऑफ 50, जो कि बहुत ज़्यादा कम थे. फिर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैंने टर्म टू में अच्छे से नहीं करा तो मेरी 90 से ऊपर परसेंटेज जाएगी ही नहीं. तो मैंने स्टार्ट किया. फिर जनवरी आ गया, रिवीजन अच्छे से हुआ. साइंस का तो हो ही नहीं रहा था भाई, बस इंग्लिश का बहुत अच्छी तरह से हो गया था. बाकी
जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आने वाला था, तो मैंने क्या किया, फरवरी में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की बोर्ड्स के लिए। तो सब कुछ, सारा सिलेबस ऑलमोस्ट अच्छी तरह से हो रखा था सभी सब्जेक्ट्स का, बस मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था, कुछ भी नहीं कर रखा था, मेरे को ऑलरेडी पता था मैंने कुछ नहीं करा है, फिर भी मैं नहीं पढ़ रही थी। फिर मैंने, जब मार्च आने वाला था, फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारे पेपर होने वाले थे, तो मार्च में, जब फरवरी में मैंने लास्ट में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, मे बी लास्ट वीक में, मैं मैथ्स की बुक लेके बैठती थी, एक पानी की बॉटल मेरे पास होती थी, ठीक है, मैथ्स की बुक, एक रफ कॉपी, एक ट्यूशन की कॉपी, जिसमें आधी मेरी जो, मतलब मैंने बीच में ट्यूशन छोड़ दी थी मैथ्स की, मैंने छोड़ दी थी फर्स्ट टर्म के आने तक मैंने छोड़ दी थी दोनों ट्यूशंस। तो फिर मेरे पास जो ट्यूशन की कॉपी थी उसमें मैंने अच्छी तरह से नोट्स लिखे थे, जो मेरे स्कूल के पास टीचर थे वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, तो उसके मेरे पास नोट्स थे ऑलरेडी, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किए, उसमें से थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थे उनको मैं अच्छे से रिवाइज़ करती थी, बट ट्राइंगल वाला चैप्टर था वो, सर्कल वाला, तो वो मैंने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं करे थे, मतलब ट्राइंगल वाला तो मैंने टच भी नहीं करा था, और काफ़ी ज़्यादा टफ है, मतलब ट्राइंगल वाला चैप्टर भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, बट बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, लेंथी है। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, बुक रहती थी मैथ्स की, पानी की बॉटल, ट्यूशन की कॉपी, एक प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी, बैठ गई मैं, और मैंने पूरे एक वीक में इतना मैथ्स पढ़ा है ना गाइज, इतना मैथ्स कि मेरे को, मतलब इतना अच्छा लगने लग गया था मैथ्स मेरे को, कि मैंने मैथ्स चूज़ करना है, मैंने ऐसे सोचा था, मतलब मैथ्स इतना अच्छा है, मतलब जिस चीज़ को आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो वो उतना अच्छा आपको लगने लग जाता है। तो मैंने खुद प्रिपेयर किया, ट्यूशन की मेरे पास सिर्फ, मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिट के नोट्स थे, मतलब वो ही यूनिट आनी थी सेकेंड टर्म में, तो मैंने उस यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लिया, मतलब ट्यूशन वाले नोट्स से बहुत अच्छी तरह से मुझे वो आ गई। इवन दो एक हफ्ते में कुछ भी नहीं हो पाएगा तुमसे अच्छी तरह से, इतना सारा सिलेबस होता है, तो मैंने फिर भी रिवाइज़ किया, लास्ट के वन वीक में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ किया, काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया, ठीक है। फिर आगे मेरे पेपर, तो अब फाइनली आता है टाइम तुम्हें ये बताने का कि मेरे को कितने मार्क्स आए, ठीक है, मैंने बता दिया, मैं स्टार्टिंग से सीरियस नहीं थी, मैंने इस तरह से पढ़ाई की थी बड़ी मुश्किल से, फिर भी अगर मैं स्टार्टिंग से सीरियस होती तो काफ़ी अच्छे मेरे मार्क्स आते। तो अभी मैं तुम्हें अपने मार्क्स बताने वाली हूँ क्लास टेंथ के, तो हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में आई गॉट 97 आउट ऑफ 100, जो कि बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टर्म हुआ था नवंबर में, तो उसमें आई गॉट 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ग्रामर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, बट चेकिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चेकिंग काफ़ी अच्छी थी। तो मेरी क्लास में तीन लड़कियों को 50 आउट ऑफ 50 आए थे, एंड उनमें से एक मैं थी, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, एक और लड़की थी, तो हमें 50 आउट ऑफ 50 आए, जो कि एक बोनस पॉइंट था मेरे लिए कि टर्म वन में अच्छे मार्क्स आ गए, सेकेंड टर्म में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो आई गॉट 97 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, ठीक है। अब साइंस और मैथ्स के मैं थोड़े लेट तुम्हें बताऊंगी। हाँ, मैं ये भी बताना चाहती थी गाइज, मेरे को 7 सब्जेक्ट्स थे, 7 सब्जेक्ट थे मेरे को क्लास टेंथ में, एडिशनल था कंप्यूटर था, उसके साथ में मेरे पास संस्कृत भी था, तो 7 सब्जेक्ट थे मेरे, ठीक है। तो इंग्लिश में आई गॉट 97 आउट ऑफ 100, एंड हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आई गॉट 93 आउट ऑफ 100, जो कि ठीक ठीक ही है, क्योंकि ग्रामर वगैरह में गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, ग्रामर में ज़्यादा जाते हैं ना मार्क्स वगैरह, या जो वो होते हैं गद्यांश वगैरह, उसमें जाते हैं मार्क्स। तो हिंदी में आई गॉट 93 आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर आते हैं संस्कृत पे, संस्कृत में आई गॉट 96 आउट ऑफ 100, जो कि गाइज मैंने संस्कृत, मैंने कोई रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं करी थी क्लास टेंथ में, कोई भी नहीं, इससे ज़्यादा बदतर चीज़ बताऊँ, मैंने एक भी PYQ नहीं लगाया था, कोई भी मैंने PYQ नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं करा था कुछ, तो मैं PYQ कैसे लगा लेती, मैंने कुछ नहीं करा था ऐसा, सिर्फ NCERT थी मेरे पास, एक यूट्यूब था, यूट्यूब से भी मैंने सिर्फ मैथ्स का पढ़ा था, सिर्फ मैथ्स का, और ये सब कुछ हो पाया गाइस स्कूल के टीचर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने रिवीजन ही इतनी अच्छी तरह से करवाया था। तो संस्कृत में मैंने सिर्फ NCERT को रिवाइज़ किया था, दैट्स इट। ग्रामर होता है थोड़ा बहुत, मतलब संस्कृत में तुम्हें आ जाता है, जैसे मम मित्रम लिखने को बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो वैसे वैसे जाता था संस्कृत में, मैंने सिर्फ NCERT से पढ़ा था, और आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 इन संस्कृत। उसके बाद आ जाते हैं
कंप्यूटर साइंस पे मेरे पास कंप्यूटर था, तो उसमें आई गॉट 98 out of 100, जो कि फिर से बहुत अच्छे हैं क्योंकि हमारे सर ही बहुत अच्छे थे, उन्होंने रिवीजन सारे ही चीज़ों का, बस साइंस को छोड़ के, साइंस और मैथ्स को छोड़ के, गंदा था सब, साइंस और मैथ्स को छोड़ के सब कुछ अच्छा था। कंप्यूटर में आई गॉट 98 out of 100, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स थे क्योंकि सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स का ही, यू नो, विदाउट ट्यूशन अगर तुम कर रहे हो, विदाउट यूट्यूब, विदाउट रेफरेंस, विदाउट PYQ, तो टीचर्स ही हैं कहीं ना जो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मतलब मैं ऐसी थी ना, मेरे को ऐसे धक्के मार के पढ़ाने बैठाना पड़ता है, ठीक है, तो मैं वैसी हूँ। बट अगर कोई रीज़न तुम्हें स्कूल में मिल रहा है और कॉम्पिटिशन स्कूल में चल रहा है तो उसमें बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में आई गॉट 98 out of 100। अब आ जाते हैं SST, तो इन SST आई गॉट 89 out of 100, थोड़े से कम है क्योंकि ना मेरे हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री होता है और जियोग्राफी होता है, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में प्रॉब्लम हो गई थी। 89 आए हैं मुझे आउट ऑफ 100 इन SST, जो कि थोड़े से कम है। मतलब मैंने सोचा था कि 9 तो लग ही जाएगा, मतलब 90 आ जाए, पर ठीक है, मैंने इतना सोचा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, दो सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस और मैथ। सो साइंस में आई गॉट 88 out of 100, जो कि अगेन कम है क्योंकि गाइज रिवीजन हुआ ही नहीं था। मतलब बच्चों को इतनी प्रॉब्लम आई है साइंस में, मैं बताती हूँ, जो भी हुआ है ना गाइज, टर्म वन की वजह से हुआ था, मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें मैंने अच्छी तरह से नहीं करा था। अगर उसमें मैंने अच्छी तरह से कर दिया होता तो ऑलमोस्ट मेरे 95 से अप जाते हैं साइंस में भी। बट मैं बोलती हूँ कि साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें मैं थोड़ी वीक थी और मैंने वो ही ले लिया क्लास 11th में आके, वो भी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आई गॉट 88 out of 100 इन साइंस। फिर आ जाते हैं मैथ पे। अरे भाई 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 भाई, मैथ ऐसी चीज़ थी ना गाइज, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे को क्वेश्चन भी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैथ्स में आई गॉट 85 out of 100, जो कि सेकेंड टर्म में, भाई मैं बताती हूँ, सेकेंड टर्म में तुम हैरान हो जाओगे, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का होगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म का होगा रिजल्ट मेरा, अलग अलग आया था दोनों, फिर लास्ट में जब मार्च में आया था तो वो इकट्ठे दोनों का प्लस हो गया था। टर्म वन में मुझे 30 या 31 मार्क्स आए आउट ऑफ 50 इन मैथ्स, एंड टर्म टू में आई गॉट 50 out of 50 इन मैथ्स। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ कि मैंने क्या किया था ऐसा कि मुझे 50 out of 50 आ गए मैथ्स में। अगर मैंने वो चीज़ टर्म वन में कर ली होती तो मुझे शायद 100 out of 100 मैथ्स में आ जाते। मैं बताती हूँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग होता है। मेरे टीचर्स भी बताते थे कि अगर तुम्हें मैथ्स में अच्छे से कर लिया तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आया है जो सीधे, मतलब कैलकुलेशन छाप दी आंसर ठीक लिखोगे तो ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हें उस चीज़ का फॉर्मूला भी आता है ना गाइज, तो तुम उस चीज़ को भी लिख सकते हो, उसके भी आधे मार्क्स मिलते हैं। बट मैंने क्या किया था, इतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं हुआ था, जब मैं सुबह उठी थी पेपर के दिन, मेरा ट्रायंगल वाला आधा चैप्टर, उसमें आधी एक्सरसाइज मेरी रह गई थी। बट मैंने हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लिया था, एक एक क्वेश्चन मैंने हर एक्सरसाइज से प्रैक्टिस किया ताकि मुझे आइडिया मिल जाए इस एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वो अटैम्प्ट इस तरह से करूँगी। तो मैंने वो किया था और ट्रायंगल चैप्टर इतनी बेटे जाती है ना भाई, मैं क्या बताऊँ इतनी ज़्यादा बेटे जाती है। तो मैंने वहाँ से ट्रायंगल चैप्टर के एक एक क्वेश्चन उठाए, ठीक है। फिर एक एक क्वेश्चन मैंने उठाए तो भाई पेपर में क्या मस्त मेरा पेपर गया था, मैं इतनी खुश थी, पहली बार मेरा मैथ का पेपर अच्छा गया था। करने पर डिपेंड करता है, अगर तुम करोगे तो तुम्हारे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और इतने सारे क्वेश्चन आए, मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिए, सारे डायग्राम्स, डायग्राम भी मेन होते हैं गाइस, डायग्राम आपको रटने नहीं होते हैं या ऐसा वैसा वैसा, वो आपको समझने होते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया जाता है क्या करना होता है, ठीक है। डायग्राम्स, फॉर्मूला, कर दो कैलकुलेशन, दैट्स इट। और मेरे को मिल गए भाई, मेरे MCQ भी सारे ठीक थे और मेरे को 50 out of 50 मैथ्स में आए थे इन सेकेंड टर्म। सो ये ट्रिक है, और ये नहीं करना है कि रटना है या ये वो, नो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो विदाउट ट्यूशन ये थे मेरे सेकंड टर्म में, मैंने बड़ी मुश्किल से किया था, यूट्यूब से, मैंने सिर्फ यूट्यूब मैथ्स के लिए यूज़ किया था, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। तो ये मेरा रिजल्ट है, टर्म वन और टर्म टू दोनों का मैं लगा दूंगी, प्लस जो इन दोनों का फाइनल करके जोड़ आया है वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी, फाइनल वाला रिजल्ट। और मुझे हर एक सब्जेक्ट में स्टार लगा है, मतलब अगर तुम्हें 80 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं
तो तुम्हें उस सब्जेक्ट में स्टार लगता है और मुझे सारे सब्जेक्ट में स्टार लगे हैं। ओके, तो मेरे 7 सब्जेक्ट थे तो आई गॉट 646 आउट ऑफ 700, विच इज़ मतलब पूरी अगर कैलकुलेट करें सारे सब्जेक्ट को तो परसेंटेज बनती है 92.28%। और अगर मैं टॉप 5 देखूँ, टॉप 5 की मतलब कैलकुलेट करूँ, जैसे इंग्लिश में मेरे 97 आए हैं, कंप्यूटर में 98, संस्कृत में 96 और हिंदी में 93 एंड SST में 89, तो इन सबको जोड़ के टॉप 5 जो है वो मुझे आ रही है परसेंटेज 94 point something। तो ऐसे मेरी परसेंटेज थी। तो और उस टाइम मैं बताऊँ ना गाइस, मैं लेट नाइट स्टडी वगैरह कुछ मतलब मैं बताती हूँ ना, 10th इज़ बहुत ज़्यादा ईजी देन 11th और 12th। 10th में लेट नाइट स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इवन दो मैंने मैथ का सिलेबस एक हफ्ते पहले कंप्लीट किया है और वो भी दिन को बैठ के, दिन को बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो मेरे को मतलब मैं ऐसे ये इसी रूम में बैठा करती थी पढ़ने, तो ये रूम खाली होता था, इधर मैं बैठी रहती थी पढ़ने और पूरा दिन मेरा बैठ पे जाता था पढ़ते पढ़ते। इतने सारे पेज पे मैं प्रैक्टिस कर दिया था ना, मेरे पास बुक भी होगी, वो भी तुम देखोगे मैंने खा दी थी पूरी वो मैथ्स की बुक। तो इतने अच्छा मैंने, इतनी अच्छी तरह से मैंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा। अगर उतनी अच्छी तरह से मैं बोलती हूँ ना, जब तक मेरे को धक्का नहीं लग जाता ना किसी चीज़ का तब तक मैं नहीं करती हूँ भाई, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी क्यों आदत है, बट है, तो वो चीज़ है। बाकी वैन अब मैं बताऊँ, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, जैसे मैं बता रही थी, मैंने बोला था कि मेरे 90s तक तो पहुँचेगी नहीं, मतलब 90 भी नहीं आएंगी, मैंने मम्मा को ऐसा बोला था। तो मम्मा बोला ऐसा नहीं होता है, हो जाएगा हो जाएगा, और मेरे मन में ऐसे होप थी कि हो जाएगा, शायद हो जाएगा। और जब मेरा जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, उस दिन मैं सुबह से चेक कर रही थी साइट, हमें टाइम बताया गया था 12 या 1 बजे का, मैंने उस टाइम साइट बहुत बार खोली और साइट जैसे रिज़ल्ट आया, मैंने वो खोली थी, मैं जस्ट ऐसे रिफ़्रेश करती रही, नहीं आ रहा था नहीं आ रहा था नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। फिर मम्मा ने बोला रेस्ट कर ले, 3 बजे उठ के देख लेना 1 घंटे बाद। तो हाँ, मैं फ़ोन मेरे सामने ही था, मैं सो गई थी, और जब मेरे को ऐसे मतलब मैं उठी तो मेरे को एक्साइटमेंट थी कि रिज़ल्ट आ गया है, और मैंने अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा ऑन किया, मतलब डाटा ऑन किया तो मेरे को इतने सारे DMs आए थे अपने फ्रेंड के, अपने टीचर्स के, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई इतनी अच्छी लड़की थी मैं क्लास 10th में ना, ऐसा था। और जब मैं YouTube की जर्नी शेयर करूँगी, मेरा स्कूल उसमें मेन रोल प्ले करता है, वो क्यों वो मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। पूरे स्कूल में मैं फेमस थी उस चीज़ के लिए। और या एक लड़की ने मेरे को DM कर दिया था ऑलरेडी कि तेरे को इतने परसेंट आया, 92.94। ओ भाई मैं पागल, मैं क्या है। फिर मैं जल्दी से गई साइट पे और मैंने ये रिज़ल्ट मैंने खोला, तो 90 से अब मुझे परसेंटेज बनी थी इन मैथ क्लास 10th। तो मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ यार, अगर इतना ज़्यादा कर लो तो दिल पे, तो अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आ जाए तो तब खुशी होती है, जैसे मैं क्लास 12th में हुआ। ठीक है, तो हमारे स्टेट में क्या रूल था, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे ऐसा है, बच्चों को अगर 90 से ऊपर परसेंटेज आती है तो उन्हें लैपटॉप गिफ्ट किए जाते हैं और स्कॉलरशिप भी उन्हें लगती है। तो मुझे भी वो दोनों चीज़ें मिली हैं, ऑफकोर्स वाई नॉट। तो मेरे को स्कॉलरशिप भी मुझे मिली थी एंड उसके साथ में लैपटॉप वाला रूल, गाइज हमसे जो पिछले वाला बैच था ना सिर्फ उसी तक था, उसके बाद में टैब वाला सिस्टम था। तो ये जो टैब तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ना भाई, ये मेरे को फ्री का मिला है, मेरी मेहनत का। क्लास 10th में मेरे 90 से अबव परसेंटेज आई थी, तो ये टैब तुम पूछते रहते हो इमानी दी आपको, आपने कितने रुपए का लिया है, कहाँ से लिया है, तो ये टैब मेरे को फ्री मिला है मेरी मेहनत का। तो ये मुझे हिमाचल प्रदेश की एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट से मिला है और मैं वहाँ पे गई थी ले। तो ठीक है, मैंने बता दिया तुम्हें अपनी क्लास 10th का रिजल्ट, जो कि काफ़ी डिसेंट मार्क्स मुझे आए थे। तो यार लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगी, लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो यहाँ पे खड़ा रहेगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा उसके लेवल निकलेंगे, ठीक है। और ठीक है, तुम भी अपनी क्लास 10th की परसेंटेज शेयर कर सकते हो, इवन दो मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती हूँ भाई, मैंने 12th में भी ऐसे किया है, मीडियम शिफ्ट करके भी। मैंने बहुत बच्चों को देखा, मतलब बोलते रहते हैं क्लास 10th में हैक्टिक शेड्यूल, हैक्टिक क्या हैक्टिक भाई, है नहीं होता हैक्टिक, क्लास 10th का तो बिल्कुल भी नहीं, क्लास 11th और 12th का भी नहीं होता है, नीट वालों को होता होगा, बट हो जाता है मैनेजमेंट, जिस अकॉर्डिंग तुम्हारी एज बढ़ती जाती है ना उस अकॉर्डिंग हो जाता है। बाय द वे आई एम 16, मैंने क्लास 12th कंप्लीट कर ली है। जो भी इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया वो सब कुछ रियल एंड रॉ था, ऑब्वियसली गाइज थोड़ा सा तड़का आना चाहिए वीडियो में, है ना, मतलब थोड़ा सा मसाला गिरना चाहिए यार, पढ़ाई करते रहे, रिजल्ट शेयर नहीं करा तो उसका क्या मतलब। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया रिजल्ट क्लास 10th का भी 12th का। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन, इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक माई वीडियो, एंड आई विल मीट यू गाइज डायरेक्टली इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।